हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे ऑनलाइन स्टडी बाजार पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यूपी बोर्ड 2019 के हिंदी के पेपर का सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारी वीडियो पर, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हमारा सबसे पहले क्वेश्चन आया था बाल भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। तो गाइस, इसमें हमारा आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट था हमारा शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं, इसका है हमारा फ्रेंड्स संपूर्णानंद। एंड फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन था इसमें कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसका है हमारा भारतेंदु हरिश्चंद। एंड गाइस, इसके बाद आया था हमारा चंद्रगुप्त नाटक के लेखक हैं, इसमें है हमारा जयशंकर प्रसाद। एंड इसके बाद में आया था हमारा रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, इसका है इंशाल्लाह खां। इसके बाद में आया था हमारा विनय पत्रिका के रचनाकार हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें है हमारा तुलसीदास। इसके बाद आया था हमारा कामायनी किस युग की रचना है, इसमें हमारा छायावादी युग। एंड फ्रेंड्स, इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन निम्नलिखित में थे छायावादोत्तर काल के कवि हैं। तो गाइस, इसमें है हमारा शिव मंगल सिंह सुमन। एंड फ्रेंड्स, इसके बाद में आता है हमारा हिंदी साहित्य में किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है, मतलब किस काल को जो है हम श्रृंगार काल कहते हैं। तो इसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो गाइस, इसमें हमारा रीतिकाल। मोहन राकेश रचनाकार हैं। तो फ्रेंड्स, हमें इसमें बताना कि मोहन राकेश जो है हमारे किस युग के रचनाकार हैं। तो इसमें है हमारा शुक्लोत्तर युग। तो फ्रेंड्स, बस इतना ही आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बस इतना ही आज की वीडियो में।